दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली हमारी हरकुलस के छठे लेबर यानी स्टिम्फालियन पक्ष के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हरकुलस के ऑगियन अस्तबल में अपनी सफलता से लौटने के बाद यूरेथिस एक और कठिन कार्य के साथ आया। छठे श्रम के लिए हरकुलस को पक्षियों के एक विशाल झुंड को दूर भगाना था जो स्टिम्फालोस शहर के पास एक झील में इकट्ठा हुए थे। झील में पहुंचकर जो जंगल की गहराई थी उसका हरकुलस को कुछ पता नहीं था कि पक्षियों की विशाल सभा को कैसे दूर किया जाए। देवी एथेना उनकी सहायता के लिए आई। उन्होंने तांबे के क्रोटाले की एक जोड़ी प्रदान की। कैस्टेन के समान शोर मचाने वाली ताली ये कोई साधारण शोर करने वाली नहीं थी। वे एक अमर शिल्पकार हेपिस्टोस फोर्ज के देवता द्वारा बनाए गए थे। पास के एक पहाड़ पर चढ़ते हुए हरकुलस ने पहाड़ों से पक्षियों को डराते हुए जोर से कोटालों को बजाया। फिर उन्हें धनुष और तीर से या एक गुलेल से गोली मार दी क्योंकि वे उड़ान भर रहे थे, तो इसलिए उसी वक्त उसने भी गोली या अपने तीर से उसके ऊपर वार किया। किंवदंती के कुछ संस्करों का कहना है कि यह स्टिम्फालियन पक्षी शातिर आदमखोर थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी के यात्रा लेखक पोसानियस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वे किस तरह के पक्षी हो सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में अरब के रेगिस्तान से एक प्रकार के पक्षी को स्टिम्फालियन का कहा जाता था जो उन्हें शेरों या तेंदुओं के बराबर बनाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया है कि पौराणिक कथाओं में हरकुलस का सामना करने वाले पक्षी इन अरब पक्षियों के समान थे। और हाँ दोस्तों, हमारा जो अगला लेबर यानी सातवां लेबर है वो है द क्रेटन बुल या मिनोटोरस, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो रहेगी हमारे आठवें लेबर के ऊपर। दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।